नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलसी यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का ये वीडियो बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है। बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रशासनिक विचारक से संबंधित ये वीडियो। इस वीडियो से पहले हमने टेलर का दर्शन का वीडियो प्रस्तुत किया था। उसमें टेलर ने जो चार दर्शन दिए थे उसके बारे में बात की थी। आपको पता है कि लोक प्रशासन के विकास को हम चार भागों में बांटे थे, शास्त्रीय विचारधारा, मानव संबंधवाद विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा और एक संश्लेषित विचारधारा के रूप में हमने देखा था। शास्त्रीय विचारधारा में हमने देखा था कि जो सिद्धांत संगठन, जो औपचारिक संगठन सिद्धांत और व्यवस्था पर जिसने ज़्यादा जोर देते हैं उन वैज्ञानिकों को हमने शास्त्रीय विचारधारा में रखे थे। और शास्त्रीय विचारधारा में तीन विचारधाराएं थी। एक तो एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधनवाद दिया गया, वो हेनरी फेयोल द्वारा प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा, और मैक्स वेबर द्वारा दी गई आदर्श नौकरशाही को हमने शास्त्रीय विचारधारा में रखा था। आपको फिर से याद दिला दें कि शास्त्रीय विचारधारा में औपचारिक संगठन, संगठन की संरचना, आर्थिक प्रेरण और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जो विचारक बल देते थे उसको शास्त्रीय विचारधारा में हम लेते हैं। और व्यवहारवादी विचारधारा की हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल शास्त्रीय विचारधारा के रूप में हम देखते हैं। शास्त्रीय विचारधारा में ही एक हमारे सबसे मुख्य विचारक हैं एफ डब्ल्यू टेलर। उसके हमने दर्शन देख लिए थे, वैज्ञानिक प्रबंधनवाद के दर्शन देख लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक प्रबंधनवाद के सिद्धांत, दर्शन से अभिप्राय है कि कोई आइडियोलॉजी, कोई हमें सूत्र, सॉरी जिसको हम एक आइडिया मान सकते हैं कि ये चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की तो आवश्यकता है और ये सूत्र ही सिद्धांत हैं। तो इन टेलर ने ये चार सूत्र या चार सिद्धांत प्रस्तुत किए कि कार्य विज्ञान का विकास, श्रमिकों का चयन और प्रशिक्षण, मानसिक क्रांति और सहयोग। तो सबसे पहले लेते हैं कार्य विज्ञान का विकास। टेलर ने कहा कि किसी भी संगठन की सफलता कार्य विज्ञान के विकास पर निर्भर करती है। तो कार्य विज्ञान होता क्या है? कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना और प्रत्येक दिन के लिए कार्य की मात्रा निर्धारित कर देना कार्य विज्ञान है। टेलर ने कहा कि कार्य को क्या छोटे छोटे भागों में तोड़ना चाहिए और प्रत्येक भाग के लिए एक समय निर्धारित कर देना चाहिए, और कार्य विज्ञान को विश्लेषित करने के लिए अपेक्षित कार्य निष्पादन की संकल्पना टेलर ने प्रस्तुत की। टेलर के अनुसार प्रत्येक श्रमिक द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। श्रमिक को समय के आधार पर भुगतान न करके उसके उत्पादन के अनुरूप भुगतान किया जाना चाहिए। कि पहले क्या होता था कि 8 घंटे श्रमिक को रुकना होता था या 12 घंटे श्रमिक को रुकना होता था, वो कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, बैठ वहाँ ऑफिस में या उद्योग में बैठ के जा रहा है या काम करके जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता था। बस समय होना चाहिए था, 12 घंटे अगर पूरा कर लिया तो उसको वेतन दे दिया जाता था। लेकिन टेलर ने इसको बदला और टेलर ने कहा कि नहीं, समय के आधार पर नहीं, उसके कार्य के आधार पर उसको वेतन दिया जाना चाहिए। और कार्य के लिए उसने एक EWP थ्योरी दी कि पहले प्रबंधक को एक्सपेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस देखने चाहिए कि ये कार्य 1 घंटे में इतना किया जा सकता है, 2 घंटे में इतना किया जाना चाहिए। उस हिसाब से प्रत्येक दिन का कार्य की मात्रा एक श्रमिक के लिए निर्धारित कर देनी चाहिए, और उस अगर वो श्रमिक उतनी मात्रा में कार्य करता है तो उसको उतना वेतन दिया जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कार्य वो श्रमिक करता है तो उसको बोनस प्रस्तुत करना चाहिए, बोनस देना चाहिए, क्योंकि वो EWP जो एक्सपेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसको पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए। अगर वो EWP से कम कार्य कर रहा है, यानी एक्सपेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस है एक निश्चित कार्य या निश्चित कार्य आपने बता दिया कि इतना होगा, अगर उतना कार्य वो नहीं कर पाता है तो उसको उसका वेतन काट लिया जाना चाहिए या उसको दंड के रूप में फटकार लगानी चाहिए और साथ में वेतन कम कर दिया जाना चाहिए। ये था उनका कार्य विज्ञान का विकास। उसके बाद में
दूसरा सिद्धांत दिया कि श्रमिकों का चयन और प्रशिक्षण। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों में श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि श्रमिक है वो ऐसे ही तर वितर रूप से उठा लिए जाते हैं, जो बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते और वो उद्योग में आके कार्य करते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। तो उन्होंने दो बातों पर ध्यान दिया कि श्रमिकों का चयन करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए, पहला तो इनका फिजिकल फिटनेस देखी जानी चाहिए कि जो श्रमिक हम जो कार्य कर रहे हैं उद्योगों में उसके अनुसार उसका फिजिकल फिटनेस है या नहीं है, दूसरे स्तर पर वो हल्का फुल्का उससे संबंधित ज्ञान रखता है या नहीं है, तो इसके लिए एक क्षमताओं के लिए एक परीक्षा ली जानी चाहिए उसकी, और उसके बाद में योग्यता उसकी बढ़ाने के लिए या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको समय समय पर एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक उस उद्योग में अच्छे से काम करें। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले देखा था श्रमिक को एक श्रमिक न मानकर उसको क्या माना जाना चाहिए, उसको एक संसाधन माना जाना चाहिए, और संसाधन का प्रशिक्षण द्वारा उसकी योग्यता को और उसकी क्षमता को प्रशिक्षण देकर बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद में आते हैं मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि मानसिक क्रांति है क्या। एक तरह से मानसिक क्रांति दृष्टिकोण में परिवर्तन अर्थात चेंज इन व्यूज। पहले हमने दर्शन पढ़े उस समय भी हमने बताया था कि पहले क्या होता था, कोई भी कमी अगर उद्योग में रह जाती थी तो जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रबंधक न करके वो जिम्मेदारियां श्रमिक पर डाल देते थे, श्रमिक अपनी जिम्मेदारियां प्रबंधकों पर डाल देते थे और उनके बीच में संघर्ष चलता रहता था। तो इस व्यूज को चेंज करना ही मानसिक क्रांति थी, कि इस दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए कि श्रमिक प्रबंधकों को अपना दुश्मन समझते हैं और प्रबंधक श्रमिकों को अपना दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं जबकि उनको काम मिलकर करना है। तो इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ही मानसिक क्रांति था। अब मानसिक क्रांति कैसे ला सकते हैं, कि प्रति इकाई उत्पादन लागत कम करना, और वो कैसे की जा सकती है, अगर आप श्रमिकों का चयन सही ढंग से करोगे, तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद लाओगे तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाएगी। अगर प्रति उत्पादन लागत इकाई कम होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें उत्पाद की कीमत अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें लागत कम होगी तो उत्पाद की कीमत अपने आप कम हो जाएगी, और उत्पाद की अगर कीमत कम होगी तो मार्केट में उसका स्तर बढ़ेगा और उत्पाद की मांग अपने आप बढ़ने लगेगी। अगर उत्पाद की मांग बढ़ेगी तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक आपका लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा तो श्रमिक और जो प्रबंधक है उनके मध्य जो लाभ का आवंटन किया जाता है वो अच्छा होगा, दोनों को लाभ अच्छा मिलेगा, तो लाभ आवंटन की समस्या का निदान अपने आप हो जाएगा। और ये मानसिक क्रांति आपको पता है कि कार्य विज्ञान का विकास वैज्ञानिक ढंग से चयनित प्रशिक्षित श्रमिकों आदि को समीप लाकर ही की जा सकती है। अब हम आगे बात करते हैं सहयोग की। सहयोग, क्योंकि जो श्रमिक और प्रबंधक हैं वो दोनों एक दूसरे को विरोधी या अपना दुश्मन मानते थे और अपनी जिम्मेदारियों को खुद न निर्वहन करके दूसरे के ऊपर टालते थे, और इनके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सहयोग लाओ, और सहयोग तभी विकसित होगा जब जिम्मेदारियों का उपयुक्त आवंटन हो। और उपयुक्त आवंटन आपको पता है कि प्रबंधक की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है और प्रबंधक को ज़्यादा वेतन मिलता है। अगर प्रबंधक को ज़्यादा वेतन मिलता है तो जिम्मेदारियां भी उसको ज़्यादा निभानी चाहिए। तो टेलर ने बताया कि प्रबंधकों को अधिक जिम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रबंधक अधिक शिक्षित होते हैं और अधिक वेतन भी प्राप्त करते हैं, जबकि जो श्रमिक हैं उनको कम वेतन मिलता है और कम शिक्षित होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां कम होनी चाहिए। उनको कार्य संबंधित या उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए, जबकि प्रबंधक को कार्य के अलावा विविधता वाले कार्य जो अनप्रोग्राम्ड कार्य होते हैं उनसे संबंधित जिम्मेदारियाँ भी दी जानी चाहिए। तो ये था आज के
टेलर के सिद्धांतों के ऊपर का वीडियो। इसके महत्वपूर्ण, आइए अब हम देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेलर के कार्य विज्ञान का विकास सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आपको कार्य विज्ञान का विकास समझाना है, EWP। उसके बाद में है, मानसिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? और तीसरा प्रश्न है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये था आज का वीडियो, धन्यवाद।